हुए लाठी चार्ज पर पहला एक्शन। लंका एसओ लाइन हाजिर। भेलूपुर सीओ और अपर नगर मजिस्ट्रेट को बदला गया। छात्र आंदोलन के बाद बीएचयू बंद लेकिन राजनीति शुरू। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और बड़ा सवाल ये भी है कि बीएचयू कांड का गुनहगार कौन है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्राओं का विरोध करने वाली छात्राओं पर लाठीचार्ज को लेकर हंगामा जारी है। आपको बताएंगे वाराणसी के ताजा हालात क्या है, लेकिन ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ बनारस की तस्वीर, दूसरी तरफ यूपी के संभल की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के संभल से भी एक खबर सामने आई है जहां पर दसवीं के छात्रा ने मंत्रालय से तंग आकर अपनी जान दे दी है। वहीं बीएचयू में पहले छात्राओं ने प्रदर्शन किया और अब छात्र भी उनके साथ शामिल हो गए हैं और सवाल ये पूछा जा रहा है क्या ऐसे ही चलेगा बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। लड़कियों से इस तरह के मामले छेड़खाने के बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद छात्र मानने के लिए बीएचयू में तैयार नहीं है और इन सब के बीच खबर यूपी के संभल से जहां छेड़खाने से तंग आकर दसवीं की छात्रा ने जान दे दी है। सवाल ये भी है कि यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या हुआ। जोर शोर से जिसकी बात उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान लगातार बीजेपी की ओर से किया जाता रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे वो मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ, जो लगातार उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए बेटियों की सुरक्षा की बात करते थे। बीएचयू में छेड़खानी की घटना को लेकर आरोपियों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा विरोध करने वाली छात्राओं पर ही लाठीचार्ज हो गया। इस पूरी घटना को लेकर एक और खुलासा हुआ है। जिस दिन छेड़खानी हुई उस दिन यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर के गार्ड भी वहीं पर आसपास थे। जब लड़कियों ने छेड़खानी की उनसे शिकायत की तो आरोप है कि प्रॉक्टर के गार्ड ने कहा कि शाम 6 बजे के बाद बाहर क्यों घूमती है। एक लड़की जब जा रही थी रूट पे उसे कुछ लड़के आ जाते हैं और छेड़ देते हैं। छेड़ने के बाद जब वो जाती है गार्ड के पास बोलने के लिए कि मतलब मेरे साथ छेड़खानी हुई, तो वो ये पूछ मतलब क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम 6 बजे क्या कर रही थी। 6 बजे अगर लड़की निकल गई तो कौन सा अपराध किया है। उन लड़कों पर प्रश्न नहीं खड़े किए गए, लड़कों के प्रश्न नहीं खड़े किए गए, उन लड़कों के प्रश्न खड़े करने चाहिए थे कि तुम मतलब छेड़खानी क्यों कर रहे हो। और उल्टा उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम शाम को 6 बजे क्यों निकल रही हो, तो 6 बजे लड़कियों के निकलने पर पाबंदी है लेकिन 6 बजे शाम को लड़कों के चेहरे पर कोई पाबंदी नहीं है। वो भारत कला भवन के रोड पे चल रही थी, दो लोग बाइक से आए और जो आगे बैठा था वो टिल्ट हुआ मतलब गिरा और उसने सूट के अंदर हाथ डाला नीचे और काम में परफॉर्मिंग आर्ट में वहाँ पे दो बंदे थे। पीछे प्रॉक्टर गाइड जो होते हैं गार्ड जो होते हैं वो खड़े थे, वो बंदे चिल्लाई लेकिन कोई आगे नहीं आया, कोई नहीं आया। वहाँ से दो और बाइक गई वो भी नहीं रुकी। हाँ जी गार्ड, हाँ प्रॉक्टर हंस रहे थे जब वो लड़की वापस जा रही थी, उसे जाते हुए अपनी अपने फ्रेंड्स को फोन किया क्योंकि वो साइकिल चला रहे थे। वो लोग आए उसको वहां से हॉस्टल लेके गए, उसके बाद उसके जो फ्रेंड्स थे वो दोबारा उन प्रॉक्टर्स वाले के पास गए उन्हें क्वेश्चन करने कि वैसे कैसे कर सकते हैं एक लड़की को कोई छेड़ के चला गया इतनी गंदी तरह। और वो देखते रहे, वो हंस रहे थे और फिर वो ये बोलते हैं कि वो चुप बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा। तो अब प्रॉक्टर का गार्ड बताएगा कि लड़कियों को कितने बजे घूमना चाहिए बाहर और कितने बजे नहीं घूमना चाहिए। उधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आधी रात से छात्र छात्राओं पर हुई लाठीचार्ज में पहली कार्रवाई हुई है। दो पुलिस अधिकारियों और इलाके के मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया है। वाराणसी में भी हंगामा शांत है, कॉलेज बंद है, लेकिन पूरी घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कल छात्र छात्राओं पर डंडे बरसाने वाली पुलिस पर हुई है पहली कार्रवाई। आधी रात को लड़कियों पर डंडे बरसाने वाले पुलिस वालों पर गिरी है कार। यहाँ पे काफी अराजक स्थिति बनी हुई है। बीएचयू के लंका इलाके के एसओ राजीव सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह जयपुरा के थानाध्यक्ष संजीव मिश्रा लंका क्षेत्र के नए थानाध्यक्ष बने। लंका थाना भेलूपुर सर्किल में आता है। भेलूपुर से सर्किल ऑफिसर निवेश कटियार को भी हटा दिया गया है। वाराणसी के अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम का कार्यभार भी बदल दिया गया है।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन तो थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन राजनीति लगातार गर्म हो रही है। दो तस्वीरें देखिए, वाराणसी से लेकर दिल्ली तक बीएचयू में लड़कियों पर लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में कांग्रेस तो बीएचयू के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सामने इलाका देख रहे हैं, ये भारत कला भवन है, छेड़खानी हुई थी और यही वो जगह है गुरुवार शाम को लड़की के साथ छेड़खानी हुई और वहाँ पे छात्र पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि पुलिस के बल पर गुंडागर्दी चल रही है। पूरे मामले पर राजनीति का पारा और गर्म होने वाला है। समाजवादी पार्टी का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज मामले की जांच के लिए बीएचयू आएगा। इससे पहले कल कांग्रेस नेताओं को बीएचयू में घुसने से रोक दिया गया था। आज भी कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस भी मुद्दे पर योगी सरकार से लेकर पीएम मोदी तक निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शायद अब ये नारा बेटी पढ़ाओ और बेटी पिटवाओ इसमें तब्दील कर दिया है इन्होंने। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये भाजपा पार्टी का तरीका है। बीएचयू में पूरा विवाद लड़की से छेड़छाड़ को लेकर शुरू हुआ। बीएचयू की छात्राओं ने छेड़छाड़ के विरोध में 40 घंटे तक प्रदर्शन किया था। पुलिस ने छात्राओं को मौके से जबरदस्ती हटाया तो हंगामा शुरू हो गया। हालांकि बीएचयू के वाइस चांसलर का दावा है कि विरोध प्रदर्शन में बाहरी लोगों का हाथ ज्यादा था। उस आंदोलन में कुछ लोगों ने मालवीय जी के वस्त्र पर कालिख पोतने का जो प्रयास किया वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं कर सकता। जहां तक इस आंदोलन का प्रश्न है, कल जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, जिस तरह से पेट्रोल बम और यहां पर फायरिंग हुई, उसकी तुलना में कोई बहुत बड़ी हिंसक वारदात यहां नहीं हुई। बीएचयू के वाइस चांसलर लाठीचार्ज को बड़ी बात नहीं मान रहे हैं। उधर यूपी के मुख्य सचिव ने लाठीचार्ज की घटना की जांच के आदेश दे दिए। यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 2 अक्टूबर तक बीएचयू बंद। सुरक्षा जैसे संवेदनशील और गंभीर मामले पर उम्मीद है उतनी ही संवेदनशील और गंभीर होगी सरकार। इसी के साथ